एवरीवन, दिस इज पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। सो आज के सेशन में हम लोग करने वाले एक बहुत ही नया टाइप का पजल, मेंस के लेवल का हम लोग पजल सॉल्व करेंगे आज के सेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड पजल। यानी कि आज की पजल में आपके सामने जो भी पजल आएगी उसमें यूज है किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपने पढ़ा है, आप पहले अपने स्कूल्स में पढ़ते थे, APGP सीरीज पढ़ते होते थे। तो आज के सेशन में जो पजल है आप उसको तभी बना पाओगे जब आपको बिल्कुल बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP सीरीज का बेसिक अगर पता है तो आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, बहुत ही नया टाइप है, इम्पॉर्टेंट पजल है। सो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दिस इज योर क्वेश्चन, क्या कहता है? 6 persons are going to see different articles in an exhibition in different days of a week which starts from Monday and ends in Saturday from their houses. 6 लोग हैं, आर्टिकल्स देखने के लिए जाते हैं अलग अलग, एक एग्जीबिशन है, ठीक है, एक जगह है जहां पर एग्जीबिशन है, वहां पर ये लोग अलग अलग आर्टिकल्स देखने के लिए जाते हैं। 6 लोग हैं और इन्होंने क्या दिया आपको, 6 डेज दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, आगे कहते हैं देयर आर डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्रॉम हाउसेज ऑफ द पर्सन टू एग्जीबिशन। अब कहता है कि अलग अलग डिस्टेंस है किसका, ये जो एग्जीबिशन है ना इसका डिस्टेंस अलग अलग है, जितने ये जो 6 पर्सन है ना, 6 पर्सन की बात की गई है, तो ये जो 6 लोग हैं इनके हाउसेस का अलग अलग डिस्टेंस है किससे, एग्जीबिशन से। ठीक है, मान लो कि एग्जीबिशन अगर यहां पर लग रही है, एग्जीबिशन यहां लग रही है, तो ये जो 6 लोग होंगे वो किस तरीके से होंगे, अलग 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 डिस्टेंस पर होंगे, इस तरीके से होंगे। कहते हैं डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो ये डिस्टेंसेज है ना ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उसने बोला कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको सिंपल बेसिक इतनी सी चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो कोई यूज नहीं है nth टर्म और समथिंग, उसने कहा है डिस्टेंसेज जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर्स में है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो ये वाली जो सीरीज होती है इसमें क्या होता है, जो डी होता है, डी यानी कि जो डिस्टेंस होता है हर एक नंबर में, मान लो यहाँ पर आपके पास नंबर है 5, 7, 9, तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 11 होगा। जो दोनों का हर एक नंबर का जो डिस्टेंस होता है ना वो इक्वल होता है, जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, सीरीज में जो नंबर्स होते हैं ना आपस में सभी का डिस्टेंस क्या होता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बराबर होता है, एडजेसेंट नंबर्स का। ठीक है, जैसे पहला नंबर 5 है, बाद में आया 7, दोनों का डिफरेंस 2 है, उसके बाद नेक्स्ट आया 9, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, नेक्स्ट आया 11, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो आगे फर्दर जो आएगा वो क्या होगा, 13 होगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है। तो सिंपल ये चीज समझ में आई हमें। अब इसके बाद देखते हैं, उसने बोला कि डिस्टेंसेज जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समझ गए हम लोग। आगे कहता है डिस्टेंस ऑफ एग्जीबिशन फ्रॉम पीज हाउस इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम क्यूज हाउस। उसने क्या किया है, अभी आपको क्वेश्चन में डेटा देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कहता है कि जो पी के हाउस का डिस्टेंस है ना वो कम है क्यू के हाउस से। कहां से, देखो डिस्टेंस कहां से कंसिडर किया जा रहा है, एग्जीबिशन से। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ एग्जीबिशन फ्रॉम पी के हाउस से, जो पी के हाउस से जो एग्जीबिशन का डिस्टेंस है वो कम है, किसके डिस्टेंस से, एग्जीबिशन का जो डिस्टेंस है क्यू के हाउस से उससे कम है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टोटल 6 दिन है, सबसे पहले इसे नोट करते हैं, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको हम इस तरीके से नोट करते हैं, मान लो यहाँ पर क्या है, एग्जीबिशन पॉइंट है, ये जगह है जहाँ पर भी एग्जीबिशन लग रहा है। ठीक है, इसे हमने इस तरीके से नोट किया। अब सभी जो 6 लोग हैं, जो 6 लोग हैं उनका डिस्टेंस एग्जीबिशन से अलग अलग है, सभी के घरों का, हाउसेस का डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, और वो किस में है, पॉजिटिव इंटीजर्स उसने बोला है। ठीक है, और क्या बोला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, तो इसको भी हम याद रखेंगे। अब उसने क्या बोला है कि पी का जो हाउस का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ एग्जीबिशन फ्रॉम पीज हाउस, पी के हाउस का डिस्टेंस एग्जीबिशन से कम है क्यू से। ठीक है, अब ये जो सीरीज है पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम इसको देखो किस तरीके से लेंगे, 6 लोग हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और डिस्टेंसेस कैसे हैं, AP में है, डिस्टेंसेस हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हम लोग यहाँ पर ना डिस्टेंस नोट करेंगे हर एक के घर का।
जैसे कि अगर एग्जीबिशन से सबसे पास वाला जो डिस्टेंस होगा, सबसे पास जिसका घर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा उस पर्सन का नाम, ठीक है, फिर यहाँ पर, यहाँ पर। अभी उसने बोला है पी का जो डिस्टेंस है ना एग्जीबिशन से वो कम है क्यू से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर जहां पर भी पी आएगा ना उसके कहीं बाद में क्यू आएगा। क्यों? हमने यहां पर क्या नोट करे हैं? डिस्टेंस, डिस्टेंस हाउसेस का नोट कर रहे हैं ना, हाउस का डिस्टेंस नोट कर रहे हैं। तो पी का डिस्टेंस जो है वो कम है, तो इसीलिए हमने पी को पहले बनाया और उसके बाद में, पी के कहीं बाद में। ये भी नहीं पता हमें कि पी के जस्ट बाद में क्यू आ सकता है, हमें नहीं पता इसके बारे में, हमें नहीं पता। पर पी के बाद में, यानी कि मान लो अगर पी यहाँ पर आया तो क्यू कहीं यहाँ पर आ सकता है, पी अगर यहाँ पर आया तो क्यू हो सकता है यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पी का डिस्टेंस जो है एग्जीबिशन से वो कम है और क्यू का डिस्टेंस कंपेयर टू पी ज्यादा है, तो पी के बाद में क्यू आएगा, जहां पर भी पी आएगा उसके बाद में क्यू आएगा, क्योंकि उसने बोला पी का डिस्टेंस एग्जीबिशन से वो क्या है, कम है क्यू से। इतना हम नोट कर चुके हैं। आगे कहता है सी हु इज गोइंग टू एग्जीबिशन आफ्टर वेंसडे। सी जो है वो एग्जीबिशन देखने के लिए जाता है कब? वेंसडे के बाद में। इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम एग्जीबिशन। अब इसका एग्जैक्ट उसने क्या दे दिया? डिस्टेंस दे दिया, एग्जैक्ट डिस्टेंस दे दिया किसका? सी का, कि सी जो है उसका घर जो है वो क्या है, 10 किलोमीटर है फ्रॉम एग्जीबिशन पॉइंट, एग्जीबिशन प्लेस से 10 किलोमीटर दूर है सी का घर। और सी जाता कब है? वेंसडे के बाद में जाता है। सी जाता है वेंसडे के बाद में। तो अब सी वेंसडे के बाद में जाता है तो हमारे पास केसेस देखो कितने बनते हैं। यहाँ पर जा सकता है, ठीक है, फ्राइडे को भी जा सकता है, और अगर हम देखें तो एक केस बनेगा सैटरडे को भी तो जा सकता है, ठीक है। तो ये तीन केसेस बनेंगे अभी, एक बार हमने ऐसे ही नोट कर लिया, देखते हैं आगे। कहता है टू पर्सन्स आर गोइंग टू एग्जीबिशन बिटवीन सी एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू सी लैंडस्केप। अब यहाँ पर इसने एक और देखो, इसी क्वेश्चन में आपको वेरिएबल्स भी इतने सारे मिल रहे हैं, वेरिएबल्स भी आपको इतने सारे मिल रहे हैं। पहले आपको देखो पर्सन्स के नाम है, पर्सन्स हैं, छह पर्सन्स हैं। अब यहाँ पर लैंडस्केप, ये क्या है? एक आर्टिकल। यहाँ पर इसने बोला ना डिफरेंट आर्टिकल्स, तो वहां पर इसने नाम नहीं दिए कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो एग्जीबिशन में लगे हैं, ठीक है। तो आपको छह आर्टिकल्स मिलेंगे। डेज तो आपके पास है ही, मंडे टू सैटरडे। इसके अलावा आपके पास डिस्टेंस भी है, तो आपके पास ये सभी क्या है, वेरिएबल्स भी है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, और मेंस में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब उसने क्या कहा है, दो लोग जाते हैं एग्जीबिशन देखने के लिए, किसके बीच में? सी और जो पर्सन लैंडस्केप देखने के लिए जाता है उसके बीच में। सबसे पहले सी के लिए उसने बोला था सी का जो घर है ना वो 10 किलोमीटर है फ्रॉम एग्जीबिशन। सी का जो घर है वो 10 किलोमीटर है, तो इसको हम एक बार छोटा सा यहाँ पर नोट कर लेते हैं, नीचे नोट कर लेते हैं कि सी 10 किलोमीटर फ्रॉम एग्जीबिशन, ठीक है। अब सी और किसके बीच में उसने बोला है? उसने बोला है कि सी, या तो यहीं पर ही नोट कर लेते हैं, ठीक है, हर केस में यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सी और लैंडस्केप के बीच में दो लोग हैं। अब सी 1-2 नीचे तो स्पेस है नहीं, यानी कि ऊपर जाएगा इस केस में 1-2। लैंडस्केप कहाँ पर आएगा? यानी कि मंडे को जो पर्सन जाता है वो लैंडस्केप देखने के लिए जाता है, ठीक है। मंडे को जो भी पर्सन जाता है वो लैंडस्केप देखने के लिए जाता है। अगर हम इस केस की बात करें तो 1-2 लैंडस्केप कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर हम इस केस की बात करें 1-2 लैंडस्केप आ जाएगा आपका यहाँ पर। अभी हमने इतना नोट कर लिया, आगे देखते हैं। कहता है थ्री पर्सन्स आर गोइंग टू एग्जीबिशन बिटवीन द पर्सन हु इज गोइंग टू सी लैंडस्केप एंड द पर्सन हु इज 1 किलोमीटर फार फ्रॉम द एग्जीबिशन। कहता है कि तीन लोग, थ्री पर्सन्स आर गोइंग टू एग्जीबिशन, ठीक है, तीन लोग जा रहे हैं एग्जीबिशन देखने के लिए। बिटवीन द पर्सन, एक तो जो पर्सन लैंडस्केप देखने के लिए जाता है, और एक और पर्सन है जो कि जिसका डिस्टेंस, जिसके घर का डिस्टेंस एग्जीबिशन से 1 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच में तीन लोग एग्जीबिशन देखने के लिए जा रहे हैं। कहता है लैंडस्केप और 1 किलोमीटर वाले, ये दो अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है। इनके बीच में टोटल तीन लोग जाते हैं एग्जीबिशन देखने के लिए, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम इस केस की बात करते हैं, लैंडस्केप यहाँ पर है तो 1-2-3, 1 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस हम यहाँ पर नोट करें। अगर हम इस केस की बात करें तो लैंडस्केप यहाँ पर है, तीन के गैप, तीन पर्सन जाते हैं उसके बीच में, लैंडस्केप और 1 किलोमीटर वाले पर्सन के बीच में। 1-2-3, 1 आएगा यहाँ पर। इस केस में 1-2-3 के गैप के बाद आ नहीं सकता, यानी कि ये वाला केस तो हमारा यहाँ पर हो गया गलत, क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। अब हम इसे क्लियरली नोट कर सकते हैं।
ठीक है, इतना क्वेश्चन बना चुके हैं, आगे देखते हैं। कहता है ओनली टू पर्सन्स हाउस हैव मोर डिस्टेंस फ्रॉम एग्जीबिशन देन द डिस्टेंस ऑफ एग्जीबिशन फ्रॉम सीज हाउस। कहता है ओनली टू पर्सन्स हाउस हैव मोर डिस्टेंस फ्रॉम एग्जीबिशन देन द डिस्टेंस ऑफ एग्जीबिशन फ्रॉम सीज हाउस। कहता है जो सी का हाउस है ना, उससे ज्यादा डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ दो लोगों का है। एग्जीबिशन से हाउस का डिस्टेंस सिर्फ दो लोगों का ज्यादा है सी से, बाकी सबका यानी कि कम है। बाकी सबका क्या है, कम है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या समझे कि सी यहाँ पर होगा, क्योंकि उसने देखो क्या बोला है कि सी से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के घरों का डिस्टेंस है किससे, एग्जीबिशन से। एग्जीबिशन से डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं ना, तो सी के सी से ज्यादा दो ही लोग हैं, ठीक है। तो यानी कि सी यहाँ पर आएगा और बाकी दो जो भी पर्सन है यहाँ पर, और सी का तो हमें पता है कि सी का घर कितनी दूर है, 10 किलोमीटर दूर है एग्जीबिशन से। और हमें ये पता है कि एक ऐसा पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन होगा जो कि 1 किलोमीटर, एक ऐसा पर्सन है जिसका हाउस का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एग्जीबिशन 1 किलोमीटर। तो डेफिनेटली क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यहाँ पर, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो 1 किलोमीटर तो यहीं पर ही आएगा ना, इस चीज को समझना है, ठीक है। 1 किलोमीटर ही होगा यहाँ पर, इससे पहले तो कर नहीं सकते, इससे पहले तो कुछ, क्योंकि एग्जीबिशन से डिस्टेंस पॉजिटिव सबसे पहले 1 किलोमीटर ही हो सकता है। और हमें मिल भी गया कि 10 भी है किसी का, 1 भी है किसी का, तो 1 यहाँ पर है। अब हमें क्या चाहिए है, हमें अब यहाँ से खुद से ही देखना है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें हर एक पर्सन का डिस्टेंस जो है वो क्या हो, बराबर हो, हर एक के घर का डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है। अब आप इसको देखो, चाहो तो किसी तरीके से कर सकते हो, आप दो दो के गैप पर देख लो, क्योंकि 1-1 के गैप पे 1, 2, 3, 4 से 6 पर्सन है तो 6 तक ही हो जाता कंप्लीट। अगर अब आपको दो दो का गैप करोगे तो 1 के बाद में 3 आएगा, फिर उसके बाद में 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें 10 इंक्लूडेड है, 10 चाहिए। तो 2 के गैप पे नहीं, 3 के गैप पे बिल्कुल ये सही बनेगा। 1, 3 का गैप लोगे तो 4, देन 7, देन 10, देन 13, 16, 6 पर्सन चाहिए तो यही होगा। यानी कि ये जो हर एक पर्सन है, हर एक पर्सन का हाउस है, हर एक का डिस्टेंस में कितना कितना गैप होगा, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एपी सीरीज है, तो हर एक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर। तो 1 और 4 में डिफरेंस है 3 का, 7 और 4 में डिफरेंस है 3 का, 10 और 3, 10 और 7 में 3 का, 13, 10, 3, 16, 13, 3, तो यही बनेगा। यानी कि यहाँ पर ये जो भी घर होगा इसका डिस्टेंस होगा 4, इसका होगा 7, देन 10, 13 एंड 16। ये हम लोग समझ गए, तो हमें हमारा एपी सीरीज मिल गया, डिस्टेंसेस मिल गए। अभी ये नहीं पता कि किस किस पर्सन का के घर का कितना कितना डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे कहता है पर्सन हु इज गोइंग टू सी वोल्केनो इज गोइंग टू एग्जीबिशन जस्ट बिफोर ए एंड जस्ट आफ्टर सी। कहता है जो पर्सन वोल्केनो देखने के लिए जाता है, ठीक है, जो पर्सन एग्जीबिशन जाता है वोल्केनो देखने के लिए, वो कब जाता है, ए से जस्ट पहले जाता है। कहता है जो पर्सन वोल्केनो देखने के लिए जाता है वो ए से तो जस्ट पहले जाता है, ठीक है, और जस्ट आफ्टर पी, और पी के जस्ट बाद में जाता है। तो यानी कि पी वोल्केनो ए, हमें ऐसा चाहिए पी वोल्केनो ए, ऐसा चाहिए। तो हम देखते हैं कहां पर बना सकते हैं, चाहिए है पी वोल्केनो ए, ठीक है। तो अगर हम इस केस में देखते हैं, ये है आपका मान लो फर्स्ट केस और ये वाला है आपका सेकेंड केस। फर्स्ट केस में देखो पी और ए को हम कहां पर बना सकते हैं, हमें क्या चाहिए, पी ए और उसके बीच में वोल्केनो, ठीक है। तो पहले तो देखो हम लोग यहां पर पी को नहीं रख सकते क्योंकि पी ऊपर है, एज इट इज ऐसा ही आएगा, पी के नीचे वोल्केनो, उसके नीचे ए, तो पी और ए यहां पर तो आ नहीं सकते दोनों जगह पर, ठीक है। अब एक केस बनता है कि पी यहां पर आ जाए, ठीक है, और एक छोड़कर ए यहां पर आ जाए और वोल्केनो सी के पास यहां पर आ जाए, एक केस ये बनता है, ठीक है। एक केस क्या बनता है, पी कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर वोल्केनो, यहाँ पर ए आ जाए। तो अभी हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पर केसेस तो बहुत सारे बन जाएंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, रहने देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है देखो सी डज नॉट गो टू सी वोल्केनो, सी वोल्केनो देखने जाता ही नहीं है, यानी कि हम जो ये सोच रहे थे सी को वोल्केनो दे रहे थे, ये गलत हो गया, सी वोल्केनो देखने के लिए नहीं जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा, सी वोल्केनो देखने के लिए नहीं जाता, यहाँ पर सी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे,
यहाँ पर तो पी और ए नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि पी और ए के बीच में यहाँ पर वोल्केनो नहीं आ सकता, तो ये कैंसिल हो गया, पी ए यहाँ पर नहीं आ सकता। अब पी और ए के लिए ये सब चीजें कैंसिल हो चुकी है, अब पी और ए के लिए एक ही केस बनता है, पी यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, और वोल्केनो यहाँ पर आ जाएगा और ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा क्या कोई और केस आपको दिख रहा है? अगर आप सोचते हो कि यहाँ पर पी को बनाओ, यहाँ पर वोल्केनो को बना सकते हो, पर यहाँ पर ए तो नहीं आ सकता क्योंकि सी है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। तो हमने जो बनाया है पी और ए का सिर्फ एक ही केस बनता है, जो हमने यहाँ पर, जो हम यहाँ पर बना चुके हैं, सब जगह हमने देख लिया, कहीं पर भी और कहीं पर पी नहीं आ सकता, तो ये यहाँ पर आ गया वोल्केनो। अब हम देखते हैं सेकेंड केस में कि पी वोल्केनो ए को हम कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। आप देखो पी को कहाँ कहाँ पर प्लेस कर सकते हो, यहाँ पर पी को कर सकते हो, पर पी के जस्ट नीचे वोल्केनो आना चाहिए लैंडस्केप है, यानी कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब पी को अगर आप यहाँ पर प्लेस करो, ठीक है, यहाँ पर प्लेस करो, उसके नीचे वोल्केनो यहाँ पर आ सकता है और ए यहाँ पर आ सकता है, एक ही केस बनता है। इसके अलावा देखो कोई और केस बनता है, अगर आप पी को यहाँ पर प्लेस करते हो इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर प्लेस करते हो, फिर उसके जस्ट नीचे वोल्केनो यहाँ पर, और फिर उसके नीचे ए यहाँ पर आना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो सी ऑलरेडी फिक्स्ड है, सी फिक्स्ड है, तो यानी कि यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो पी और ए का यहाँ पर भी सिर्फ एक ही केस बनता है जो हम बना चुके हैं। तो पी और ए को हम लोग फिक्स कर चुके हैं यहाँ पर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, देखते हैं। कहता है डिस्टेंस ऑफ एग्जीबिशन फ्रॉम एज हाउस इज मोर देन फ्रॉम क्यूज हाउस एंड लेस देन फ्रॉम बीज हाउस। कहता है ए का डिस्टेंस, देखो सभी का डिस्टेंस हम एग्जीबिशन से ले रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ एग्जीबिशन फ्रॉम एज हाउस, डिस्टेंस ऑफ एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का डिस्टेंस ए के हाउस से क्या है, ज्यादा है क्यू के हाउस से और कम है बी के हाउस से। कहता है कि ए का डिस्टेंस जो है वो क्यू के हाउस से क्या है, ज्यादा है, बी से कम है। कहता है कि Q से ज्यादा है, ठीक है, Q से ज्यादा है किसका, A का, और B से कम है, उसने ये बोला। देखो हमने ये देखा था ना कि P के बाद में Q आएगा कहीं पर, P के कहीं बाद में Q आएगा, Q के बाद में A आएगा, A के बाद में B, ये सब चीजें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि उसने बोला Q का जो घर का डिस्टेंस है वो P के घर के डिस्टेंस से, एग्जीबिशन से हम कंसिडर कर रहे हैं डिस्टेंस, ज्यादा है। अभी उसने देखो क्या मेंशन किया कि A का, यहां पर फिर से देखो, उसने यहाँ पर बोला है डिस्टेंस ऑफ एग्जीबिशन फ्रॉम एज हाउस, ए के हाउस से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है किससे, मोर देन फ्रॉम क्यूज हाउस, ए का डिस्टेंस ज्यादा है क्यू के डिस्टेंस से, ठीक है, क्योंकि हम लोग एग्जीबिशन को यहाँ पर, हमने यहाँ पर उसका प्लेस बनाया, एग्जीबिशन का प्लेस यहाँ पर है। उसने कहा है कि क्यू का जो डिस्टेंस है ना एग्जीबिशन से, वो ए से क्या है, ए का ज्यादा है, ए का ज्यादा है क्यू से, यानी कि मान लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि अगर एग्जीबिशन और क्यू के बीच में डिस्टेंस 2 का है और ए, तो ए का क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। उसने यही मेंशन किया है डिस्टेंस ऑफ एग्जीबिशन फ्रॉम एज हाउस, ए के हाउस से जो डिस्टेंस है एग्जीबिशन का वो ज्यादा है, ए का ज्यादा है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। और क्या कहता है, एंड लेस देन बीज हाउस, और बी से कम है, ए के डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस क्यू से तो ज्यादा है, बी से कम है, तो बी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो क्यू ए बी इस तरीके से आएंगे ना। आई होप आप सभी को ये चीज जरूर समझ में आई होगी, तो अब हम इसे नोट करते हैं, यहां पर आएगा भी इसी तरीके से, यानी कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, जहां पर भी P आएगा उसके कहीं बाद में Q आएगा, और उसके कहीं बाद में A आएगा, उसके कहीं बाद में आपका B आ जाएगा, सिंपल ये मतलब है। अब आगे चलते हैं, देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। R is going to exhibition just before the person who is going to see thermal plant and just after the person who is going to see hydropower plant. कहता है R जो है वो कब जाता है exhibition देखने के लिए, just before the person who is going to see thermal. R जाता है कब, थर्मल पावर प्लांट जो भी देखने जाता है उससे जस्ट पहले, ठीक है, और किसके बाद में, जस्ट बाद में यूज कर रहा है वो, जस्ट आफ्टर द पर्सन हु इज गोइंग टू सी हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट के जस्ट बाद में, थर्मल पावर प्लांट से जस्ट पहले,
ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको बनाना है। हमें चाहिए हाइड्रो पावर प्लांट, उसके जस्ट नीचे आर, और उसके जस्ट नीचे थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये चाहिए। तो अब हम इसको देखते हैं कहां पर बना सकते हैं। यहां पर अगर हम बनाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे आर आना चाहिए, यहां पर क्या है सी है, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट यहां ना आकर यहां पर ही आ सकता है। हाइड्रो पावर प्लांट यहां पर आएगा, उसके जस्ट नीचे आर यहां पर आएगा, और उसके नीचे थर्मल पावर प्लांट, ये हमने बना दिया। तो फर्स्ट केस में तो ये हमारा सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसको सेकंड केस में। सेकंड केस में देखो, यहां पर तो आ नहीं सकता अब हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि फिर उसके नीचे क्या चाहिए आपको, आर चाहिए। तो यानी कि एक ही केस बनता है, यहां पर आएगा हाइड्रो पावर प्लांट, उसके जस्ट नीचे तो सी है, जबकि होना चाहिए यहां पर आर। तो यानी कि ये केस जो हम सेकंड केस सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया ये वाला केस, क्योंकि हम इसको प्लेस नहीं कर पा रहे हैं हाइड्रो पावर प्लांट के जस्ट नीचे आर और उसके जस्ट नीचे थर्मल पावर प्लांट, इसको हम नहीं बना पा रहे हैं। तो सेकंड केस हो गया गलत। करेक्ट कौन सा है हमारा, फर्स्ट केस करेक्ट है, यही वाला केस हमारा करेक्ट है। तो अब हमने इसको प्लेस कर दिया, हटा देते हैं, इसको भी हम बना चुके हैं, पी ए इसको बना चुके हैं, सी टेन इसको बना चुके हैं। अब आगे देखते हैं, आप देखो यहां से हमें पता चल गया कि जो आर है वो उसका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर फ्रॉम एग्जीबिशन, तो यहां पर आ जाएगा आर। आगे देखो, पर्सन हु इज गोइंग टू सी सोलर पावर प्लांट इज गोइंग टू एग्जीबिशन बिफोर बी, पर्सन हु इज गोइंग टू सी सोलर पावर प्लांट, जो सोलर पावर प्लांट देखने के लिए जाता है वो कब जाता है, इज गोइंग टू एग्जीबिशन बिफोर बी एंड आफ्टर क्यू। सोलर पावर प्लांट देखने के लिए जो पर्सन जाता है वो कब जाता है, बी से पहले और क्यू के बाद में, एग्जैक्ट आगे पीछे नहीं बोला उसने। जैसे पहले वो इनके लिए देखो हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, वोल्केनो पीए के लिए जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर यूज कर रहा था, यहां पर उसने बोला क्यू के कहीं बाद में सोलर पावर प्लांट, कहीं बाद में बी, ठीक है। तो हम इसे बनाते हैं, और लास्ट लाइन रह गई है हमारी, वो भी देख लेते हैं। ए डज नॉट गो टू सी जंगल, ए जो है जंगल देखने के लिए नहीं जाता है। अब यहां से उसने बताया देखो क्यू, फिर कहीं पर आएगा सोलर पावर प्लांट, फिर उसके बाद कहीं पर आएगा बी। तो अब दो ही पर्सन बचते हैं, क्यू और बी, तो ये तो कंफर्म है क्यू यहां पर आएगा और बी यहां पर आएगा, क्योंकि क्यू के नीचे बी है, और इनके बीच में आएगा सोलर पावर प्लांट। तो अब सोलर पावर प्लांट क्यू और बी के बीच में इस जगह पर भी आ सकता है, इस जगह पर भी आ सकता है, पर उसने लास्ट में एक सेंटेंस यूज किया था कि जो ए है वो जंगल देखने के लिए नहीं जाता है, ए जो है वो जंगल देखने के लिए नहीं जाता है, ठीक है। तो ए के लिए जंगल नहीं आएगा, तो जंगल डेफिनेटली यहां पर आएगा, और यहां पर आ जाएगा आपका सोलर पावर प्लांट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो हमारा यहां पर ना कंप्लीट हो चुका है, अब बहुत ही आसान, अब कुछ भी नहीं बचता है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बाकी है। हम लोग डेज के हिसाब से पर्सन को प्लेस कर चुके हैं, जो उनके आर्टिकल्स थे उनको प्लेस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में ए, ए के बाद में बी, तो कंफर्म है पी यहाँ पर आएगा, फिर क्यू यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर। तो अब हमें सबका पता चल गया, पी का है कितना 4 किलोमीटर्स, क्यू कितना है 7 किलोमीटर्स, सी 10 हो चुका है, ए है 13 किलोमीटर्स, बी है कितना 16 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीटेड है। अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजिली आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आज के सेशन में जो हमने पजल किया है, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज था, आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।